असमी साहब ने भी अभी कहा कि शुरुआत हुई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, जो डाउनफॉल शुरू हुआ हॉकी का, सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओवरऑल एक ऐसा अदारा रहा है जो मेरे ख्याल में बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। हम जरूर जीतते रहे हैं 80s में, 70s में और 90s में, लेकिन उसमें भी फेडरेशन का रोल इतना बड़ा नहीं रहा। उसमें हमारी जो नर्सरी थी, हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स था वो इतना बड़ा था और इतने अजीम प्लेयर थे उसमें कि वो जो है वो खुद से ही एक टीम बनती थी और एक ज़बरदस्त किस्म का एक सिनेरियो चल रहा था 60s में, 70s में, 80s में। और जब काम करने की बारी आई तो फेडरेशन, मेरा ख्याल है, मैं एग्री करता हूँ समीउल्लाह साहब से कि फेडरेशन अपना रोल वो उस तरह अदा नहीं कर सकी जिस तरह उसे करना चाहिए था। मैं खुद भी दूसरी दफ़ा सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना और मुझे इसका अच्छे तरीके से इतराक है कि मुश्किलात कहाँ पे हैं और किस तरह हम इन चीज़ों को पे काबू पा सकते हैं। डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा है और फेडरेशन को अपना रोल प्ले करना है, और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो रॉटन हो चुका है, उसमें इतनी जान ही नहीं है कि वो प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सके। तो हमें अब अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही करना है, उसके लिए हमने पहला स्टेप ले लिया है। हमने अपने 10 रीजन्स जो हैं वो कांग्रेस से अप्रूव करवा लिए हैं। वो 10 रीजन्स कौन से हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमने सिंध के 2 रीजन बना दिए हैं, एक सखर को हमने रीजन बनाया और एक कराची को बनाया है। सखर के साथ पूरा इंटीरियर सिंध अटैच होगा और कराची की हॉकी जो है वो कराची वालों के साथ होगी। इसी तरह हमने बलोचिस्तान का एक रीजन बनाया जिसको हमने क्वेटा रीजन का नाम दे दिया है। इसी तरह हमने केपीके में 2 रीजन बनाए, एक पिशावर रीजन और एक एपटाबाद रीजन। एपटाबाद रीजन जो है वो नॉर्थ ऑफ जो केपीके है उसको केटर करेगा, और पिशावर जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट को जो है वो केटर करेगा। इसी तरह फिर हमने एक इस्लामाबाद रीजन बनाया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लड़के जो हैं इस्लामाबाद की टेरिटरी में हिस्सा लेंगे। फिर पंजाब के हमने 4 रीजन बनाए हैं जिसमें एक लाहौर है, एक फैसलाबाद, एक मुल्तान और एक सियालकोट रीजन बनाया। और मुल्तान के साथ डीजी खान और बहावलपुर रीजन्स जो हैं, डिवीजन जो है वो अटैच होंगे। और फैसलाबाद क्योंकि बहुत फर्टाइल है, फैसलाबाद में बहुत बड़ी हॉकी होती है, वहाँ पे समुद्री है, पीर महल है, गोजरा है, तो हमने फैसलाबाद को उसी की जुरिस्डिक्शन में रख दिया है कि फैसलाबाद अकेला ही जो है वो उस चीज़ को संभालेगा। और लाहौर के साथ साइबल डिवीजन को हमने डाल दिया है, सियालकोट में गुजरावाला और सरगोधा डिवीजन मिल के ये टीमें बनाएंगे। तो हमने पूरे पाकिस्तान के 10 रीजन बना दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है कि डिपार्टमेंट हॉकी जो है वो अब नहीं होगी, अब रीजनल बेस होगी और सिटी बेस हम हॉकी खेलेंगे। तो हमने ये काम किया कर दिया, और इन्हीं 10 रीजन्स पे हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हुआ करेगी, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुआ करेगी, और इसी चैम्पियनशिप को हम अंडर 17, अंडर 15 और अंडर 13 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा सवेरा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमारी बातचीत हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक हॉकी का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है लाहौर में, और एक सियालकोट में जो है अप्रूव किया है जिसपे कि तकरीबन 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी दोनों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। और वहाँ पे हम जो छोटे बच्चे हैं, जो 13 साल के, 15 साल के, 17 साल के, 19 साल के और फिर 21 साल के, इनकी सारा साल 365 दिन ट्रेनिंग हुआ करेगी। एक दूसरी बात जो मेरे जहन में आती है कि जो आपने शुरू में इंट्रो में ये कहा कि लोगों का हॉकी से डिस्कनेक्ट हो गया है, डेफिनेटली ये डिस्कनेक्ट हुआ है। और ये डिस्कनेक्ट इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फॉर लास्ट 5 to 6 ईयर मेन सिनेरियो में नहीं है। आप प्रो लीग खेल रहे थे, प्रो लीग में फंड्स की वजह से आपको पुल करना पड़ी टीम, आपकी टीम जो है वो टेक्निकली नॉकआउट होके 12वें नंबर से 17वें नंबर पर चली गई। तो ये चीज़ें हुई हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में जो हालात बेहतर हो रहे हैं तो इंटरनेशनल हॉकी की एक्टिविटी दोबारा शुरू हो, ताकि जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन मासेज एंड पाकिस्तान हॉकी वो बहाल हो, और पाकिस्तान हॉकी को भी उसी तरह लोग जो हैं वो देखना शुरू करें, और फिर लड़कों की भी पहचान शुरू हो कि कौन लड़का है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही एक तरीका है कि अगर 35 से 40 मैच ये टीम साल के नहीं खेलेगी तो आप इंटरनेशनल हॉकी में आपकी वापसी मुमकिन नहीं है। और 35 से 40 मैच खेलने का मतलब यह है कि आपको एक ह्यूज बजट रिक्वायर्ड है,
और उस बजट के हवाले से हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, हमारे डिफरेंट जो हाई अप्स हैं इस मुल्क के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आला केपी के हैं, मेरी खुद मुलाकातें हुई हैं उनसे और उन्होंने हमें ये अश्योर करवाया है कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी को पैटर्नाइज करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, आई होप कि नामवर खिलाड़ी हूँ और नामवर खिलाड़ी होने के साथ साथ काम करने वाले लोग हों। कभी कभार हमें होता है कि हम जी नामवर प्लेयर ले आते हैं मगर वो काम उस तरह नहीं करते जितना शायद कोई कम नाम वाला प्लेयर ज्यादा काम कर रहा होता है। बट मैं समी साहब से एक सवाल पूछूंगी, उससे पहले आसिफ साहब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि ये आपने रीजन्स बताए, कोचेस का अदील ने आपसे पूछा कि कौन हेड करेगा क्या, बट जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, आपको लगता है ये जो सारे आपने अभी रीजन्स डिफाइन किए हैं उन सब में क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटी, उस तरह की ऑसोट्राफ्स, ये सारी चीज़ें हैं मौजूद? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अप्रैल में शायद पीएचएफ ने डिमांड की थी कि 5,000 हॉकी स्टिक्स रिक्वायर्ड थी पीएचएफ को, सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या पूरे ग्राउंड लेवल से अभी आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है? यानी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ग्राउंड लेवल से बनाने की बात करती हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये प्लान हम अगले कई साल वाल में जाके देखेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान में कमी नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान में तमाम ऐसे सेंटर्स जहां पे हम हॉकी चाहते हैं, जहां पे होनी चाहिए वहां पे अब एस्ट्रोटर्फ मौजूद हैं। अब पाकिस्तान को जिस चीज़ की कमी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांग कर रहा है वो ये है कि मेरे लड़कों को जूनियर सीनियर सतह पर 35 से 40 मैच इंटरनेशनल चाहिए और उन मैचेस के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो उनकी हम डिमांड कर रहे हैं। मैं कराची में इस वक्त एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, हॉकी क्लब पाकिस्तान है, इस्लाउद्दीन स्टेडियम है, फिर केएचए की ग्राउंड में भी नया एस्ट्रोटर्फ अप्रूव हो चुका है, हैदराबाद में 2 एस्ट्रोटर्फ हैं, खैरपुर में है, लाड़काना में एस्ट्रोटर्फ है, सखर में एस्ट्रोटर्फ है, कोयटा में 2 एस्ट्रोटर्फ हैं, इसके अलावा बी सिपी में और ग्वादर में भी प्लान कर रहे हैं वो लगाने की, उसके बाद पन्नू में एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, पिशावर में 3 एस्ट्रोटर्फ हो चुकी हैं, एबटाबाद में 2 एस्ट्रोटर्फ जो है वो मार्च में लग जाएंगी, ठीक है जी, इस्लामाबाद में इस वक्त एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, पिंडी में, इस्लामाबाद और पिंडी में 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, एक माड़ी पेट्रोलियम में, एक जीएचक्यू में लगी हुई है और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगी हुई है, लाहौर में 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, सियालकोट में एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, गुजरांवाला में एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, बहावलपुर में जो है मेरा ख्याल है कंप्लीशन पे, इफ आई एम नॉट समीला साहब बता सकते हैं, मेरा यकीन है कि जी लगना शुरू हो गई है वहाँ पे भी, और फिर रहीमयार खां में एक हॉकी 5 की एस्ट्रोटर्फ लग रही है, मुल्तान में बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है हमारा जो एस्ट्रोटर्फ है, डीजी खां में एस्ट्रोटर्फ लग चुकी है। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें कमी नहीं है, मैं आपको बताऊं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और अब जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाने की बात है, फैसलाबाद, गोजरा, हर जगह पर हमारे पास एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इशू ये है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपने अपने घर में जाके उनको हम अच्छा एक पैकेज भी दें और वो लड़कों की दिन रात उन पर मेहनत भी करें और उनके साथ ट्रेनिंग भी करवाएं, क्योंकि देखें मोटिवेट होता है बच्चा, अगर समीउल्लाह साहब किसी बच्चे को कोई चीज़ टिप देंगे तो वो एक आम प्लेयर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है ना वो फोकस हो जाएगा।